नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। लॉर्ड्स टेस्ट जितना भारत की जीत के लिए याद किया जाएगा, उससे कहीं ज्यादा खिलाड़ियों के बीच हुई नोकझोंक के लिए याद रखा जाएगा, जिसकी शुरुआत मैच के तीसरे दिन से हुई, जब खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को कुछ कहा। दरअसल एंडरसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो बुमराह ने बाउंसर की बौछार कर दी थी, जिसके बाद एंडरसन को बुमराह पर गुस्सा आ गया था। इसके बाद मैच के अंतिम दोनों दिन खिलाड़ियों के बीच खूब नोकझोंक देखने को मिली थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर एंडरसन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि करियर में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई गेंदबाज मुझे आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। एंडरसन ने अपने बयान में कहा, मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया था क्योंकि साथी बल्लेबाज कह रहे थे कि पिच धीमी है। जब मैं क्रीज पर उतरा तो जो रूट ने कहा कि बुमराह ज़्यादा तेज गेंद नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगली ही गेंद 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक दी, जिसके बाद मुझे अपने करियर में पहली बार लगा कि कोई मुझे आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि चोटिल करने के इरादे से गेंदबाजी कर रहा है। इसके आगे एंडरसन ने कहा, बुमराह ने उस ओवर में 10-12 गेंदें फेंकी थी, वो लगातार नो बॉल फेंक रहे थे। उसने 2 गेंद स्टंप पर डाली जिसे मैं खेल गया। मेरी कोशिश थी कि मैं अपना विकेट बचा कर रखूं और जो रूट को स्ट्राइक दूं। वहीं इससे पहले इस पूरे विवाद पर टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने भी खुलासा किया था। अश्विन ने इस पूरे मामले पर बोलते हुए कहा था, जिमी कह रहा था, अरे दोस्त, तुम इतनी तेज गेंदबाजी क्यों कर रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे खिलाफ ऐसी ही गेंदबाजी करता हूँ? तुम बाकी बल्लेबाजों को केवल 85 मील प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी करते हो, लेकिन मेरे खिलाफ 90 मील प्रति घंटे की गेंदबाजी क्यों कर रहे हो? यह धोखा है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा और जब गेंदबाजी करने आऊंगा तो मेरा भी रवैया कुछ ऐसा ही होगा। वहीं आपको बता दें कि लॉर्ड्स टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कई बार नोकझोंक हुई थी। इसके अलावा 5वें दिन जब बुमराह और मोहम्मद शमी के बीच साझेदारी बन रही थी, तब जॉस बटलर ने भी बुमराह को स्लेज किया था। साथ ही कोहली और बटलर के बीच भी कहासुनी हुई थी। इसके बाद खेल के आखिरी में सिराज और रॉबिन्सन के बीच भी कहासुनी देखने को मिली थी। बहरहाल अब तीसरा टेस्ट जो कि 25 अगस्त से खेला जाना है, देखना होगा कि दोनों टीमों की स्ट्रेटजी वहां पर क्या रहती है और किस तरीके से खिलाड़ियों का एग्रेशन रहता है।